अपने जन्म अगले जन्म ये बेटा ना दीजो। जी हाँ, आए दिन कोई ना कोई चोरी लूट हत्या जैसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, अगले जन्म मोहे बिटिया ना दीजो, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन फरीदाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद लोग कहेंगे अगले जन्म ये बेटा ना दीजो। देखिए रिपोर्ट। अगले जन्म ये बेटा न दीजो। बेटा बना मां बाप का हत्यारा। नशेड़ी हत्यारे ने की मां बाप की हत्या। बंद दरवाजे के पीछे उतारा मौत के घाट। किसने सोचा था कि जन्म देने वाली माँ और पैरों पर चलना सिखाने वाले पिता को आगे चलकर उसका ही बेटा बेरहमी से मौत की घाट उतार देगा। जी हाँ, फरीदाबाद में एक युवक ने अपने बुजुर्ग माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला बल्लभगढ़ शहर का है, जहाँ नशेड़ी बेटे ने माता पिता पर कैंची से हमला कर दिया और उन पर तब तक वार किए जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद कलयुगी बेटा वहां से भाग निकला। जानकारी के मुताबिक शहर के हनुमान नगर गली नंबर 5 में रहने वाला 38 साल का जितेंद्र उर्फ जीतू का कुछ समय पहले ही पत्नी से तलाक हो गया था। वहीं जीतू शराब पीने का आदी हो गया था और हमेशा नशे में ही रहता है। हर दिन वो नशे में ही घर आता था, जिससे परिवार में विवाद होता रहता था। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि शायद इसीलिए पत्नी से उसका तलाक हो गया है। आए दिन दोनों में नशे को लेकर झगड़ा भी होता रहता था। पत्नी के जाने के बाद घर पर जीतू और उसके माता पिता ही रहते थे। वहीं गुरुवार देर रात वो नशे में ही घर पहुंचा और फिर धारदार कैंची से माँ बाप पर हमला कर दिया। खून बहने से दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। कत्ल करने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। शुक्रवार सुबह जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों ने घर में जाकर देखा तो माँ का शव एक कमरे में पड़ा था और पिता की लाश खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी हुई थी। पास में कैंची भी खून से सनी हुई थी। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार बेटे की तलाश में पुलिस जुट गई है। हर खबर से फरीदाबाद के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट।